ज्यादा चोट तो नहीं लगी तुम्हें? इतने से हमारा कुछ नहीं होता। तुम बताओ, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? बताओ, क्या जमाना आ गया? चोर पुलिस का हाल पूछ रहा है, क्या बात है। और पुलिस चोर का? तुम्हारी शक्ल ना बिल्कुल हमारी छोटी माँ सृष्टि। हम पता है, हम तुम्हारी और तुम्हारी शक्ल रागिनी से मिलती है। तुम हमारी बहन। खबरदार जो हमें बहन कहा, हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम हमारे बाबा की कातिल की बेटी हो। नहीं नहीं, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। देखो, हमारी बात सुनो। हमारी माँ ने ना ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तुम एक सेकेंड, तुम्हें ये बात कैसे पता? इसका मतलब घर में कोई और है तुम्हारे अलावा? हमारे घर में, हमारे परिवार में और कोई? हमारा परिवार, वो बस हमारा परिवार है। हमारा परिवार था जिसे तुम्हारी माँ ने बर्बाद कर दिया। शांत अग्नि शांत, सचमुच घर पे कोई और नहीं है तुम्हारे अलावा? घर पे और कौन है हमें बताओ ना। हमें कितनी बार कहे, मर गए सब, मर गए। तेरी माँ ने सबको मार डाला, कोई नहीं बचा। शांत अग्नि शांत, हम समझ रहे हैं। तुम्हें हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन हमारी एक बात सुनो। हमारी माँ ने कुछ नहीं किया है। जो सच्चाई है ना, वो हम तुम्हें बताना चाहते हैं। तुम ऐसा कुछ भी नहीं है। सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई तुम्हें हाथ मत लगाओ हमसे, दूर रहो। हाथ नहीं लगा रहे। एक सेकंड, ठीक है, हम दूर रहेंगे, हम दूर रह के तुमसे बात करेंगे, लेकिन तुम्हारी माँ की, तुम्हारी कातिल माँ की वजह से हमारे बाबा की मौत हुई। हम समझ सकते हैं जो तुम समझ। अगर हमारे बाबा को नहीं मारा तो हमारा परिवार होता, हमारी माँ जिंदा होती, हमारे बाबा जिंदा होते। पीछे संभालना, एक सेकंड, हम आगे नहीं आ रहे, हम आगे नहीं आ रहे, हम यहीं खड़े। पीछे संभालना, पीछे संभाल के। ऐसे यहाँ नहीं होते। एक सेकंड, हमारी बात पीछे संभाल के। अरे एक सेकंड, ऐसा कुछ भी नहीं। देखो, पीछे संभालना। सुबह हो गई, इतना देर हो गया है, लड़की अभी तक आई कहीं नहीं। हाथ धो, मैं अपना गिर जाऊंगी, जल्दी हाथ धो। हम मर जाएंगे लेकिन तुम अपना हाथ नहीं देंगे, जाओ यहां से। अरे कितनी जिद्दी हो बे, अभी खतरा बढ़ता जा रहा है, अपना हाथ धो, जल्दी हाथ धो। मैं देखो, ये लड़ाई झगड़ा ना हम बाद में करते रहेंगे, तुम पहले अपना हाथ दो। हाथ मत लगाना, हमें मत हाथ लगाना। तुम्हारी रगों में हमारे माँ बाबा के कातिल का खून है। देखो, इस चीज के बारे में ना हम बाद में बैठ के भी बात कर सकते हैं ना, बाद में ये सारी बातें करेंगे, लेकिन लेकिन अभी हाथ दो ना, अभी हाथ दे दो अभी। क्या करूं? देखो, तुम हमारा हाथ नहीं पकड़ सकती ना, लेकिन इसे तो पकड़ सकती हो ना। इसे पकड़ लो, हमें पता है तुम्हें हमारी मदद की जरूरत नहीं है, तुम हमारी मदद नहीं लोगी,
लेकिन एक बार उस इंसान को याद करो जो इस वक्त घर में तुम्हारी राह देख रहा है, उसके बारे में तो सोचो कम से कम। पकड़ो, अरे पकड़ो ना इसे। चलो इससे एक बात तो साबित हो गई कि हमारे घर में तुम्हारे अलावा और कोई भी है। तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? बहुत चोट आई है, बहुत चोट आई है। 20 साल से ये जख्म अपने दिल में लिए जी रहे हैं। और कुछ जानना है कितनी चोट आई है? तेरी कातिल माँ ने हमारे बेकसूर बाबा का कत्ल किया था। तू क्या समझती है अपना हाथ दे के हमारी जान बचा ली तो सारा हिसाब बराबर हो गया? फिलहाल के लिए एक काम कर, भूल कर भी हमारे सामने मत आना, और अगर गलती से भी आए ऐसी हालत करेंगे ना कि जिंदगी भर याद रखेगी, समझे? बोलती हो बे, लेकिन तुमने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। बताओ ना, और कौन है हमारे घर पे तुम्हारे अलावा जिसने तुम्हें ये बात बताई है? तेरी माँ की कलंक की गाथा ना सारा गांव जानता है, यहाँ का बच्चा बच्चा वो कहानी जानता है जो तुम्हारी माँ ने अपने घर वालों के खून से लिखी थी। बात कर, हमारी माँ पे लगा ये कलंक और तुम्हारे मन में जमी जो ये कालिक है ना, इसे हम मिटा के रहेंगे। ये वादा अग्नि सिंह का है। इस उलझे हुए रिश्ते की गांठ, इसको तो हम खोल के ही रहेंगे। उमापति महादेव की जय। खबरदार, जो हमें बहन कहा, हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम हमारे बाबा की कातिल की बेटी हो। मां, हमारी आंखों में ये आंसू देख के ना आप घबराना मत। तो खुशी के आंसू है आज, पता है माँ, बहुत सारी खुशियां ना एक साथ आ गई, इसलिए आज ये आंसू निकल आए। आपको पता है माँ, आज हम अपनी बहन से मिले थे। बहुत गुस्से वाली है, बहुत जिद्दी है वो, लेकिन हम भी कम जिद्दी थोड़ी ना। एक दिन उसका ये सारा गुस्सा ना हम छू मंतर कर देंगे। माँ, उसके मन में हमारे लिए बहुत नफरत, बहुत कड़वाहट भरी है, और हो भी क्यों ना, आखिर उसने भी तो अपने बाबा को खोया है। लेकिन माँ, आप देखना, हम बहुत जल्दी उसके मन से ये सारी कड़वाहट, सारी नफरत दूर कर देंगे, ये बता के कि आप निर्दोष हैं, आपने कुछ नहीं किया। और माँ, ये आपका अपना गांव, ये आपको कितना गलत समझता है, कितनी उल्टी सीधी बात कर रहे थे सब। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्दी हम आपकी असली तस्वीर ना इन सब के सामने ले आएंगे, और फिर ये लोग आपकी वैसी इज्जत करेंगे जैसे पहले किया करते थे। हमें मालूम है इस रास्ते में बहुत आग है, शायद इसीलिए आपने हमारा नाम अग्नि रखा था, है ना? आज से इस अग्निपथ की शुरुआत हो गई है। कहाँ रह गई है? ये कहाँ रह गई थी दिन रात भर? आया हम, तुमको पता है हम सारा रात बैठकर तुम्हारा इंतजार किया है यहाँ। परेशान मत होइए। कहा हुआ है तुमको है?
कहां से लगा कर लाई हो चोट? क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, परेशान मत होइए। अरे कैसे ठीक हो? हाय तुम्हारे लिए पूरा रात जो हम जागे हैं, इतना परेशान हुआ है और तुम कह रहे तुम ठीक हो, कहां लगा कर आई हो, क्या हुआ है हमको बताओगी? हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम डॉक्टर हो या चौराहे का कोनो गुंडा हो, कहां चोट लगाकर? हम कुछ पूछ रहे हैं, ये चोट कहां से लगा है तुमको, बताओ हमको। क्या हुआ बेटिया है? अरे कुछ बोलो बेटिया, कुछ बोलो है, कहां हुआ है हमको बताओ। वो जिंदा है, वो अभी तक जिंदा है, उसकी सांसें अभी भी चल रही है। कौन जिंदा है बेटा? तुम्हारी शक्ल ना बिल्कुल हमारी छोटी माँ सृष्टि, हम पता है हम तुम्हारी, लेकिन तुमने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। बताओ ना, और कौन है हमारे घर पे तुम्हारे अलावा जिसने तुम्हें ये बात बताई है? कौन जिंदा है? किसकी बात कर रहे हो तुम? नहीं, हम दादी को कुछ नहीं बोल सकते। वो एक पेशेंट था। तो ये तो अच्छा बात है ना, तुम्हारा पेशेंट सही सलामत है तो... दादी हम उसको तुम्हारे पास कभी नहीं आने देंगे, वो हमेशा हम दोनों की दुनिया से दूर रहेगी, वो हमारे माँ बाबा की खूनी की बेटी है। दादी तुम सिर्फ हमसे प्यार करती हो ना, छोड़ो हमको है, छोड़ो हम कह रहे हैं। साक्षी बिटिया सुनो हमारा बात, हम सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ये कोनो पूछने वाला बात है। अरे तुम्हारे सिवाय जो है हमारा जिंदगी में और कोनो है ये नहीं बेटा। जाओ इतनी जा करना, फिर ऐसा हो जाओ हम तुम्हारे लिए जो है अच्छा सा नाश्ता बना देते हैं। आप दोनों हाय, कैसे हो? वाह वाह, हम लोग बस आपका धन्यवाद अदा करने आए थे। हमारा धन्यवाद? जी। अरे हमारा धन्यवाद कैसा, असली हिम्मत तो आप दोनों ने दिखाई है, इसलिए ये सबसे पहले पार्किंग ही नहीं है यार, इट्स फनी। चोरनी, चोर चोर चोर, किडनैपर, अरे पकड़ इसको। चोर किशन, वो चोर नहीं, वो इंस्पेक्टर अग्नि है जिन्होंने हमारी शादी कराई थी। इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर, जी हेलो, नमस्ते जी। यार राघव पहले बता दिया होता ये इंस्पेक्टर है। हाँ वो तो अच्छा हुआ इनके हाथ खाली थे, हाथ में अगर पिस्तौल बंदूक होती तो मुझे तो गॉड। अच्छा तो आप इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर अग्नि? जी इंस्पेक्टर अग्नि से बहुत पहले ये बात आपको बताना चाहते थे और सॉरी भी बोलना चाहते थे, पर एनीवे एक बात कहें आपसे। या प्लीज बोलिए ना। आपने बहुत बहादुरी का काम किया है। मैंने? हाँ आपने। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। एक सेकंड, लेकिन अगर ये इंस्पेक्टर है तो फिर वो कौन है? दैट अदर गर्ल, वो कौन है? वो चोर नहीं है और ना ही वो कोई डाकू है, वो डॉक्टर है, वो तो बस यूं ही हम लोगों की मदद कर रही थी। अच्छा तो हमारी बहन डॉक्टर है, ये तो गर्व का विषय हो गया। टोनी, साक्षी भाई लगता है रो रही है।
गुस्से में भी है। अरे कितना सुंदर चेयर था, मतलब कुर्सी, आज इसका मुंडी कट जाएगा। भाई 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 छोड़ दीजिए भाई, जानबूझ के छोड़ दीजिए। हाँ, अगर परमिशन हो तो एगो 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 बात कहें भाई। हैं भाई, देखिए हम दोनों को लगता है ना कि आप अपनी बहन को अपना लीजिए। हाँ, उन्हें भी अपने बिजनेस में शामिल कर लीजिए ना, मिलके पूरी दुनिया का निपटारा करेंगे हम सब। अरे महा पगले, अरे वो पुलिस वाली है और हम लोग आड़ा टेढ़ा काम करते हैं, समझा कि नहीं। भाई भाई बिजनेस का छोड़िए, वो तो लगा रहेगा, लेकिन वो आपकी बहन है। टोनी, भाई को उस इंस्पेक्टर रागनी की मां से नफरत है। और उसकी बेटी से उससे भी ज्यादा। नफरत है हमें उससे, ना तो हम उसे यहां सांस लेने देंगे और ना ही अपनी दादी से कभी मिलवाएंगे। चादे कौन आया? हाँ भाई, देख लेते जा। भाई वो कौन? अबे पकेगा, तू वहां पर ताला क्यों लगाया हुआ है? आपकी बहन आई है। अबे महा पागल, अबे बहन नहीं, इंस्पेक्टर अग्नि आई है। बोल अग्नि। भाई इंस्पेक्टर अग्नि आई है। उसकी इतनी हिम्मत कि वो यहाँ धमकी। हाथ जोड़ते हैं भाई, आपके आगे पैर पड़ते हैं भाई। सुनिए सुनिए भाई, देखिए वो ना इंस्पेक्टर है, ठीक है, और हम लोग किडनैपर है भाई, और आज आप बहुत गुस्से में भी हैं भाई। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं भाई, ये हम संभाल लेंगे। संभाल जाके जा। मैं हम संभाले। हाँ जाना भाई, हम जाते हैं भाई। प्लीज आप अंदर चलिए ना भाई, थोड़ा कंट्रोल भाई, कंट्रोल भाई। डॉक्टर साक्षी सिंह, MBBS, बहुत क्वालिफाइड है। भाई 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 दे दो भाई, मत जाओ कहीं, मत जाओ भाई भाई बहुत भाई भाई दे दीजिए भाई। देखिए आपस में खून खराबा कौन, अच्छी बात नहीं है भाई। भाई दे दीजिए, चक्कू दे दीजिए, बस छोड़ दीजिए। गरीब बच्चों के लिए मुफ्त में इलाज, क्या बात है, समाज सेवा। डॉक्टर साक्षी सिंह, MBBS, क्या बात है। अबे कितनी देर हो गई बे, बुलाओ अपनी मिस डॉक्टर को। जी डॉक्टर साहब, हमारे वो पेशेंट लोगों के साथ बिजी है। लेकिन हमें तो बहुत जरूरी काम है, बुलाओ मिस डॉक्टर को। जी मैडम, वो अंदर ऑपरेशन कर रहे हैं। किसका? घोड़े का, बकरी का, किसका? मरीजों का। अच्छा जी मैडम, उनका फोन भी बंद है और जब तक ऑपरेशन खत्म नहीं हो जाता वो बाहर नहीं आ पाएंगे। बुलाओ। अरे आपको कहा ना कि ऑपरेशन में है मैडम, नहीं आ पाएंगे बाहर वो। आवाज नीचे, क्या समझे?